केंद्रीय सामाजिक और न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत सुवासरा विधानसभा के सीतामऊ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। गहलोत ने कार्यकर्ताओं को उपचुनाव के इस रण में डटकर काम करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत दोपहर करीब 2 बजे सीतामऊ नगर में पहुंचे, जहां भाजपाइयों ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री ने लदुना चौराहे पर भाजपा कार्यालय का शुभारंभ किया। इसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे थे। मंच पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ प्रदेश कैबिनेट के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, देवीलाल धाकड़, जिला पंचायत अध्यक्षा प्रियंका गिरी, सुवासरा से भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग मौजूद रहे। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मोदी सरकार के विकास कार्यों को बताया और मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 15 सालों में हुए कामों को गिनाया। कार्यकर्ताओं से उपचुनाव में एकजुट होकर डटकर काम करने और भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मीडिया से चर्चा में मंत्री गहलोत राजस्थान में बढ़ते अपराध पर राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। कानून व्यवस्था चौपट होने की बात कही। उन्होंने कहा कि यूपी के हाथरस में हुई घटना पर यूपी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और हर संभव उनकी मदद कर रही है, लेकिन राजस्थान में इसके विपरीत काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी और हम ये विश्वास करते हैं कि 28 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। शिवराज सिंह जी की सरकार पहले थी, उसके कामों को देख करके कांग्रेस के विधायकों में ऐसा महसूस हुआ कि कमलनाथ जी की सरकार उसकी तुलना में कुछ भी नहीं कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे अरबपति व्यक्ति जो खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को नकार रहे हैं और वो खरीद फरोख्त के चक्कर में कतई नहीं है। ये आरोप असत्य, निराधार और मनगढ़ंत है। सैद्धांतिक लड़ाई के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में 25 विधायकों ने त्याग पत्र दे करके भाजपा ज्वाइन की। राजस्थान सरकार में आजकल बलात्कार की घटनाएं और कानून व्यवस्था चौपट हो रही है, इस कारण से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए और नहीं लगाएं तो कहें कि हम सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। हाथरस की घटना भी दुखद है, परंतु मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी की सरकार ने जो घटना करने वाले अपराधी थे, चार के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, वो चारों गिरफ्तार हुए हैं। योगी जी की सरकार ने एक मकान बनाकर देने का वादा किया है, 25 लाख की अनुदान राशि देने का वादा किया है और एक को तृतीय श्रेणी की नौकरी देने का वादा किया है और उसकी जांच निष्पक्ष हो सके SIT का गठन किया है। इससे ज़्यादा अच्छी कार्रवाई और क्या हो सकती है।